चुनाव को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा दावा किया है। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है पश्चिम बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पश्चिम बंगाल और असम में आज शनिवार को पहले चरण का मतदान हो रहा है, जिसे लेकर पूरे देश की निगाहें वहां जमी हुई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दोनों राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है। गुवाहाटी से सीधा ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैंने असम में अच्छा माहौल देखा है, वहां पहले भी हमारी सरकार थी जिसमें बहुत अच्छा काम किया गया और असम के लोगों को लंबे समय बाद सरकार का एहसास हुआ है। शांति, सुरक्षा और विकास तीनों दृष्टि से जो काम हुआ है उसकी जनता तारीफ करती है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की अराजकता चल रही है उससे ये सुनिश्चित हो रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। वहीं चार महीने से जारी किसान आंदोलन के सवाल पर भी केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जिस दिन किसान आंदोलन से जुड़े नेता चाहेंगे कि उन्हें रास्ता निकालना है, सरकार उनसे बात कर रास्ता निकाल देगी। आज बंगाल में और आसाम में पहले चरण का मतदान हो रहा है। मैं भी गुवाहाटी से सीधा यहीं आया हूं और मुझे लगता है बायलाज आसाम में तो पिछले बार भी बीजेपी की सरकार थी और इस सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आसाम में एक लंबे समय के बाद लोगों को सरकार का एहसास हुआ। शांति, सुरक्षा और विकास तीनों दृष्टियों से जो काम हुआ है उसका एप्रिसिएशन आम जनता में है और उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। और पश्चिम बंगाल में भी जिस प्रकार की अराजकता सरकार के संरक्षण में चल रही है उसके कारण यह सुनिश्चित हो रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल। मंत्री जी, कैलाश विजयवर्गीय ने निर्णय लिया है होलिका दहन के कार्यक्रम के रूप पर, आपको क्या लगता है सर, होली को लेकर अब तीसरी गाइडलाइन हुई? देखिए, दरअसल क्या है कि कुल मिलाकर कोविड का दौर है, इस समय सबसे प्राथमिकता आम आदमी की सुरक्षा की और सुरक्षा के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका सबने पालन करना चाहिए। सर, चार महीने से किसान आंदोलन किसान आंदोलन के नेता जिस दिन ये चाहेंगे कि उनको रास्ता निकालना है, सरकार उनसे बात करके रास्ता निकाल देगी।